गांधीनगर पब्लिक स्कूल में इंटर हाउस पार्लियामेंट में होली पर्व के आगमन के उपलक्ष में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया, जिसमें कक्षा 8 से 11 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। सभी छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिता में प्रयोग के लिए विभिन्न तरह की पुष्प गुलाल तथा सजावटी सामान के साथ अति उत्साहित दिखे। शायद इसका कारण एक लंबे समय के कोरोना काल के बाद यह प्रथम स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन रहा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के लिए ओरिजिनल फ्लावर अरेंजमेंट, कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए फूलों की रंगोली तथा कक्षा 11 के छात्रों के लिए हैप्पी होली कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। इस मौके पर स्कूल के प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने बच्चों के प्रयास को बहुत सराहा तथा सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि इन फूलों की तरह आप भी सदा मुस्कुराते रहें। साथ ही उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर निर्णायक मंडल में मीनाक्षी एवं निशा रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में नीलम अग्रवाल व संगीता टंडन का विशेष सहयोग रहा। आज गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक फूलों का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चे फूलों से रंगोली बना रहे हैं, फूलों की सज्जा कर रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना रहे हैं और एक बड़ा उत्साह है बच्चों के बीच में कि कोविड में जो बच्चों को एक रुकावट हो गई थी हर चीज़ से, वो बंद गए थे, अब खुल के भाग ले रहे हैं इन प्रतियोगिताओं में। और एक बड़ा अच्छा वातावरण है, एक अच्छा मैसेज है कि आओ खेलें फूलों के रंगों से और खूबसूरत बनाए इस दुनिया को तरीके से, चाहे वो हमारी रंगोली हो, चाहे हमारे फूलों की सज्जा हो या कुछ और। ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत और रंगीन रहे, जिसमें प्यार हो हमारी प्रकृति का, प्रकृति का सम्मान हो और प्रकृति का आशीर्वाद हो। इसी भाव के साथ आज ये कार्यक्रम या इंटर हाउस प्रतियोगिता हमने आयोजित की है और बच्चों को ये भी मैसेज दिया है कि आगे आने वाली होली को भी आप इसी तरह फूलों के कलर से सजाएं और होली आपके लिए स्वस्थ और सुंदर हो, जिसमें कहीं भी किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना है और आपकी होली अति महत्वपूर्ण और सुंदर हो। सबको मेरी शुभकामनाएं। हाँ, लगभग 50 से ऊपर बच्चों ने आज प्रतिभाग किया है और बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। लेकिन इसके बीच में भी हमने कोरोना के लिए जो नॉर्म्स हैं, जो सावधानियां हैं, उनका पूरा ध्यान रखा है।